सबसे पहले तो मैं सबकी अर्निंग जानना चाहता हूँ कि अगर आपके 7-8 लाख अगर आप शुरू करते हैं चैनल सर आप एडसेंस से कमाते हैं एमसीएल से। अब मैं पूछना चाहता हूँ सर से कि ये जो आइडियाज हमें देते हैं जो हम बहुत कुछ यूज इनसे सीखते हैं क्या वो एक पूरा उनको यूज करते हैं पहले और मतलब टेस्ट करते हैं उसके बाद हमें बताते हैं। एक और चीज मैं यहाँ से सबसे पूछना चाहूंगा सर ब्रांड डील्स को कैसे हम देखे हैं जो स्पॉन्सरशिप्स हैं। हेलो फ्रेंड्स तो आप देख सकते हैं मेरे साथ है आज सरबजीत सर उनको तो आप सब जानते होंगे। मैंने भी अपना चैनल इन्हीं सब यूट्यूबर से जो हैं सब इंस्पायर होकर चलाया और आज आप मेरे साथ हैं जो भी आप मुझे देखते हैं। तो आज हम सरबजीत सर से बात करेंगे कुछ और जानेंगे इनके ख्याल जो भी अगर आप नया यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं तो क्या क्या चीजें आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। सबसे पहले तो मैं सबकी अर्निंग जानना चाहता हूँ कि अगर आपके 7-8 लाख अगर आप शुरू करते हैं चैनल वहां तक पहुंच जाते हैं तो क्या कुछ कमा पाएंगे या नहीं। तो सर सबसे पहले मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा। तो यहाँ पर अर्निंग अगर मैं बात करूँ तो अर्निंग जो है वो पहले बहुत ज्यादा थी 2016 की बात कर रहा हूँ। 2017 में बहुत ज्यादा कम हुई 2018 में उससे भी ज्यादा कम हो गई। तो मतलब मैं अपनी अर्निंग्स की बात करूँ तो मेरी अर्निंग्स लास्ट मंथ की मैं आपको बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करोगे सिर्फ और सिर्फ थी $350 और जो मेरे व्यूज थे वो मतलब 16-17 लाख थे पर मंथ के व्यूज। लेकिन वहाँ पर अर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा कम थी। मेन रीज़न यही है कि शायद मैं यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाता हूँ और यूट्यूब जो है इस टॉपिक के लिए ज़्यादा जो है वो एड्स नहीं सर्व करते इसलिए जो है मेरी अर्निंग कम होती जा रही है। और वैसे मैं दूसरे क्रिएटर्स की बात करूँ तो वहाँ पर मैंने देखा है कि अर्निंग्स बहुत कम जो है हो चुकी है आजकल के टाइम पर। एडसेंस से कमाते हैं एमसीएल? मैं सर एडसेंस यूज करता हूँ। एमसीएल मैंने कभी भी मतलब इनेबल नहीं किया अपने चैनल पर। सर मैंने बहुत लोगों की अर्निंग सुनी है वो जो एमसीएल से कमा रहे हैं बहुत कम कमा रहे हैं एमसीएल ज्वाइन करने का कुछ फायदा नहीं आएगा। बहुत लोग कर देते हैं वो दिलासा देते हैं कि हम आपकी वीडियोस को प्रमोट करेंगे और ये सब तो नहीं करना चाहिए। एमसीएल मतलब वही ज्वाइन कीजिए जिसे आप कभी भी छोड़ पाए। ये नहीं है कि आज आपने एमसीएल को ज्वाइन किया वो एक साल के लिए अगर वो आपको वर्क कर देते हैं तो उसके बाद आपको जो लगता है कि अब मैं $2,000 कमा रहा हूँ तो वहाँ पर अगर आपको $1,000 या $500 में देने पड़ेंगे तो फिर तो आपको लगेगा कि यार मेरी मेहनत है ले कोई और रहा है। तो उसी मुझे लगता है कि एडसेंस पर ही कोई भरोसे ही रहना चाहिए। एमसीएल को ज्वाइन करने का कोई भी फायदा मुझे ज़्यादा लगता है नहीं। अब मैं पूछना चाहता हूँ सर से कि ये जो आइडियाज हमें देते हैं जो हम बहुत कुछ यूज इनसे सीखते हैं क्या वो एक पूरा उनको यूज करते हैं पहले और मतलब टेस्ट करते हैं उसके बाद हमें बताते हैं या कुछ होता है कि मतलब सुनी सुनाई बातें भी होती हैं कुछ लोग बोली जाती है। इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन उनसे पूछा। एक्चुअली में क्या होता है कि मैं जो एक्सपीरियंस करता हूँ ना मतलब मैं करके नहीं देखता हूँ मैं ये नहीं बोलूंगा मैं एक्चुअली में जो एक्सपीरियंस करता हूँ जो अभी तक मैंने यूट्यूब से एक्सपीरियंस किया वो ही मैं क्रिएटर्स को आगे बताता हूँ। अब जो नॉन स्किपेबल एड्स पर जो इशू हुआ था नॉन स्किपेबल एड्स को आज से 3 या शायद 3 साल पहले इनेबल किया गया था और आज तक किसी को भी प्रॉब्लम जो है फेस करने को नहीं मिली थी। बहुत वीडियोस थी उस पे नेट पे क्या कैसे इनेबल करें वो क्या हुआ कि 27 तारीख को या वहाँ पर अभी तक चल रहा है मतलब इस महीने मेरी गूगल एडसेंस पर अर्निंग जो है वो एड नहीं करी यूट्यूब ने बोले वो टेक्निकल इशू है। बहुत सारे यूट्यूबर्स को ये प्रॉब्लम जो है फेस करने को मिल रही है क्योंकि अर्निंग एड नहीं हुई। तो मतलब यहाँ पर जो अगर मैं बात करूँ आपके सवाल का तो जब मैंने नॉन स्किपेबल एड्स पर वीडियो बनाया था तो 27 तारीख को यूट्यूब ने जो है गूगल एडसेंस में कुछ अपडेट्स किए उसकी वजह से जो है वहाँ पर अब जब नए एड्स सर्व होंगे जो नॉन स्किपेबल एड्स हैं उसकी वजह से वहाँ पर जो है यूट्यूब के प्रोग्राम में एड डालना ही बंद कर दिया था। तो अगर मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो भी ओपन करके देखी यहाँ पर येलो डॉट्स मुझे देखने को मिलते थे लेकिन एड सर्व नहीं हो रही थी। इसीलिए मुझे लगा यार क्योंकि वो लोग गलत नहीं बोल रहे थे क्योंकि एड वहाँ पर आई नहीं थी। मैं यूट्यूब से बोल रहा था यूट्यूब को एक्चुअली में उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनको नहीं पता था कि ये टेक्निकल इशू है। उनको बाद में पता चला जब उन्होंने अपनी मतलब टीम से पता किया गूगल एडसेंस से उन्होंने बताया कि यस ये टेक्निकल इशू है इस वजह से जो है अपडेट करना पड़ेगा और उसके बाद जो है नॉर्मली एड्स आ रही है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा जिनके एड्स अभी तक नहीं आ रही है गूगल एडसेंस पर मतलब अगर जिनके जो है 15 तारीख के बाद पैसे जो है ऐड नहीं किए हैं गूगल एडसेंस ने वहां पर जो है ये नहीं है कि आपने जितना यूट्यूब से कमाया है वो आपको नहीं मिलेगा वो आपको किसी न किसी तरीके जो है आपके अकाउंट में आपको भेज दिए जाएंगे। तो इतना मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है वहां पर जो है आपकी पूरी रिपोर्ट यूट्यूब के पास में होती है और गूगल एडसेंस के पास में होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है आपके पैसे कहीं भी नहीं जाएंगे। हम जो है बात करेंगे यूट्यूब टीम के साथ क्यों ऐसा हो रहा है गूगल एडसेंस क्यों जो है तो पैसे अपडेट नहीं कर रहा है। बाकी अगर मैं सवाल का जवाब देना चाहूंगा तो मैं यहाँ पर ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो भी मैं मतलब बताता हूँ वो मैं एक्सपीरियंस कर लेता हूँ पहले मुझे पता होता है कि ये चीज़ जो है जो मैंने मतलब एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ से आने वाले क्रिएटर्स को फायदा हो सकता है।
सर एक्चुअली यूट्यूब की मैं बात करूंगा सर, काफी प्रॉब्लम्स आ रही है यूट्यूब में। अगर मैं एनालिटिक्स देखता हूँ रियल टाइम 60 मिनट्स के, वो 30 मिनट के आते हैं, 30 मिनट के गायब हो जाते हैं, फिर वो एक घंटे बाद अपडेट होते रहते हैं धीरे धीरे। यूट्यूब का प्रोग्राम जो है वो हर टाइम अपडेट होता रहता है, तो ये मतलब कई बार क्या होता है कि कई बार कुछ इश्यू चल रहे होते हैं, इस वजह से ये चीज हो जाती है, कई बार ये होता है। मोस्टली आपने देखा होगा कई बार हम वीडियो अपलोड करते हैं तो नोटिफिकेशन ही जाता नहीं, तो ये चीजें अब पता नहीं चल रहा है इस चीज के बारे में। YouTube बोलता है कि कभी कभार जो है ये कुछ बग आ जाता है, या मैं ये कहूँगी कोई इशू हो जाता है, टेक्निकल इशू हो जाता है, लेकिन मोस्टली सभी के साथ नहीं होता है। कुछ यूट्यूबर्स ही ऐसे होते हैं जिनको ये चीज फेस करने को मिलती है, या ये टाइमिंग कह सकता हूँ मैं कि शायद वो टाइम ही ऐसा होता है, या एक दो घंटे में टेक्निकल इशू चल रहा होता है वहाँ उस टाइम पर, जो यूट्यूबर्स जो है वीडियो अपलोड करते हैं पब्लिश करते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं जाता, तो यहाँ पर ये रीजन जो है मुझे लगता है आजकल जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई है और वो नहीं आता। एक और चीज मैं यहाँ से सबसे पूछना चाहूंगा सर, ब्रांड डील्स को कैसे हम लेके आए, जो स्पॉन्सरशिप्स हैं, फेम बिट वगैरह से सर कई बार तो आता है रिप्लाई बहुत बहुत केसेस में नहीं आता। सर आप बहुत सारे तरीके यूज कर सकते हैं, आप किसी यूट्यूबर की हेल्प ले सकते हैं जो पहले से जो है, मान लीजिए अगर मेरे पास कोई, मैं कोई सामान को जो है किसी कैमरा को बैंगलोर की तरफ से प्रमोट करता हूँ, आप मुझे मेल कर सकते हैं कि भाई मुझे उनकी ईमेल आईडी दो, अगर मैं आपको ईमेल आईडी दे देता हूँ आप खुद उनसे बात कर सकते हैं कि आप मेरे चैनल को भी देखिए, मैं भी एक अच्छी वीडियो बनाता हूँ, आप मुझे भी सामान भेजिए। सर मेरे हिसाब से यूट्यूबर से बात करना तो कंपनी से बात करना भी ज्यादा मुश्किल है, वो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत कम यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो मेल्स के रिप्लाई कर पाते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के नहीं करते, उनके पास मेल्स ही इतनी आती है, ईमेल ज्यादा नहीं, फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं। वैसे भी बहुत सारे तरीके हैं, आप जो है वेबसाइट पर जाने के बाद उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, प्रमोशन के लिए उन्होंने एक स्पेशल जो है ईमेल आईडी वहाँ पर दे रखी होती है, वहाँ पर प्रमोशन के लिए उन्हें बोल सकते हैं कि मैं आपके चैनल का जो है आपके प्रोडक्ट की प्रमोशन करूंगा, मैं जो है इतनी। मोस्टली क्या होता है, अगर फेम बिट की यहाँ पर बात कर लेता हूँ, फेम बिट पर मैंने मोस्टली देखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं, अगर किसी प्रोडक्ट को वहाँ पर लिखा होता है मैंने कि ये हमारा जो है मतलब एक कैमरा है, इसके लिए हम साथ में कैमरे के आप साथ में आपको देंगे $500, तो यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि $500 अगर उन्होंने वहाँ पर बजट बता रखा होता है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, तो वो क्या करते हैं कि कैमरा भी दे दीजिए $500 भी दे दीजिए, तो वहाँ पर कोशिश कीजिए कि कैमरा उन्हें बोल दीजिए कि $50 मुझे चल जाएंगे, मुझे कैमरा चाहिए, या आप ये बोल सकते हैं कि मतलब मैं जो है आपको प्रोडक्ट वापस दे दूंगा, मतलब आपको किसी ना किसी तरह से प्रपोजल में उन्हें कुछ ऐसा लिखना होगा जिनकी वजह से उन्हें लगे कि यस उनको उस चीज को देने से आप उनको फायदा होगा, वो आपके फायदे के लिए नहीं कुछ करने वाले, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे से मतलब, तो मतलब ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। बाकी अगर आप गेयर बेस्ट की बात करूँ, गीक बाइंग की बात करूँ, या मैं बैंगलोर की बात करूँ, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो वैसे तो खुद ही आपको जो है अगर उन्हें लगता है कि आपके 10,000 या 50,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, अगर आप एक आध अनबॉक्सिंग वीडियो डालते हैं फिर ये नहीं है, अगर आप एक आध अनबॉक्सिंग वीडियो डालते नहीं है तो उसको आपको फायदा होगा नहीं, तो मतलब ये चीजें जो है आपको जो है नजर रखने की जरूरत है, अगर आप इन्हें ध्यान देते हैं तो। बाकी अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो अगर आपके मोस्टली 5,000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो कोई ना कोई कंपनी आपको खुद अप्रोच करी होती है कि आप यहाँ हमारे प्रोडक्ट रिव्यू करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर 2,000 रुपये का या 5,000 रुपये का प्रोडक्ट है वहाँ पर अगर 1,000 लोग भी इस प्रोडक्ट को देख लेते हैं तो इसमें कंपनी का ही फायदा होता है। चलो आज सर से मैं एक आधी ईमेल तो जरूर लेके जाऊंगा ताकि मुझे कुछ मिल सके रिव्यू नीड, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा सब्जी सर से मिलके मेरे चैनल पर। प्लीज इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इनके चैनल को शेयर कीजिए अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पर, अपने ट्विटर पर, अपने इंस्टाग्राम पर इनके चैनल शेयर कीजिए, और इनके चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू सर वीडियो में आने के लिए, और मैं सर आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, अगर आप में से किसी ने इनको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज कर दें, लिंक आपको पक्का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज आप प्लीज इनको सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे हिसाब से अभी तक जितने भी यूट्यूबर से मैं मिल पाया हूँ ये बेस्ट यूट्यूबर्स हैं, तो थैंक यू।